हाय दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक राज में। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज हमें धर्मेंद्र भाई ने एक वीडियो भेजा है, क्योंकि उस क्लिप में जो कुछ भी हुआ है वो हैरान कर देने वाली है, क्योंकि हम उस जगह पे, उस लोकेशन पे जा नहीं पाए हैं, लेकिन धर्मेंद्र भाई वहाँ पर जाकर मालती की आत्मा से बात करने की कोशिश की उस कब्रिस्तान के पास में। दोस्तों, हम आपको बता दें, क्योंकि कब्रिस्तान एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे बहुत सारी जो लाशें हैं उन्हें दफनाया जाता है, लेकिन जो लोगों का जो कहना होता है कि वहाँ पे एक आत्माएं नहीं, अनेकों आत्माएं वहाँ पे वास करती हैं। उसी के बीच में जाकर धर्मेंद्र भाई ने जो चीज़ वहाँ पर किया हैरान कर देने वाली है। हम आपको भी इसी वीडियो को अभी आपको दिखाने वाले हैं, आखिर हुआ क्या था। आप ये पहले वीडियो देखिए, इसके बाद हम फिर से आपसे बात करते हैं। दोस्तों, वो चीज आप मुझे दिया दोस्तों, अभी हम एकदम कब्रिस्तान के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है, हम एकदम कब्रिस्तान के पास हैं। ये देखिए, ये कब्रिस्तान दिख रहा है ऐसे। ये बहुत बड़ा है, काफ़ी दूर तक है, और इस साइड भी काफ़ी दूर तक है। आपको दिखा दें, आप देख सकते हैं इसमें विष्णु राज। दोस्तों, देखने के लिए दिखाई ना हमें, जैसे आप इसमें विष्णु राज लिखे है इस पे, इस पन्ने पे, और इस पन्ने पे अर्जुन। दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लियर, इस पे अर्जुन। दोस्तों, ये जो दोनों जो ये जो नाम है, इसी के सामने हम आपको बता दें कि इसी के सामने अभी हम लाइट दो बत्ती चलाएंगे, उस पे कुछ भी एक्टिविटी मालूम पड़ेगा। दोस्तों, अभी अभी इस साइड हम रख रहे हैं, ये विष्णु राज इस साइड में, और इस साइड में अर्जुन, ठीक है। दोस्तों, केटो मीटर बीच में है। हम आपको पहले बता दें कि
एक लाइट वहाँ पर लगाएं ऊपर, क्योंकि जो आत्माएं हैं वहाँ से उनका जो एक्टिविटी है वहाँ से स्टार्ट होगा कब्रिस्तान अंदर से। और एक साइड में, इस साइड में जो आप इस साइड देख रहे हैं, इस साइड में एक यहाँ पर लगा है, और अर्जुन का इस साइड में, विष्णुराज का उस साइड में, और बीच में केटूमीटर। और अगर वहाँ से आत्माएं आती हैं, हम आत्मा से बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी अगर होता है एक्टिविटी, अगर ये वाकई में हमसे अगर मालती चौहान से बात होती है, तो ये जो केटूमीटर है जो दिख रहे हैं आप हरा है, अगर ये रेड होता है तो समझ लीजिए कि आत्माएं की यहाँ पे मौजूदगी है। कुछ भी अगर इस तरह से एक्टिविटी होती है तो, नहीं तो हम लोग यहाँ से निकल चलेंगे। फिलहाल अभी हम बैठते वहाँ पे, तो अभी हम वहाँ पे चलेंगे, कोशिश करेंगे कि ये आप देख सकते हैं हम पूरे यहाँ पे जो नाम है, और एक केटोमीटर है, और एक कब्रिस्तान है। अभी यहाँ पे हम अभी यहाँ पे एकदम रहेंगे, उसके बाद आत्मा से कोशिश करते हैं बात करने के। अगर वाकई में ऐसी कुछ भी चीज़ होती है तो हो सकता है कि हम वो चीज़ कैप्चर कर पाएँ। ये जो है विष्णुराज, और यहाँ पे अर्जुन, आप दोस्तों अभी हम यहाँ पे काफी देर हो गया है, अगर आप अगर यहाँ पे मौजूदगी है तो हमसे आप बात करिए। दोस्तों काफी देर हो चुका है लेकिन कुछ भी एक्टिविटी समझ नहीं आ रही है। फिलहाल कोशिश करते हैं कि आत्मा से, हो सकता है कि यहाँ हमें उनसे बात हो सके। आप हमें यकीन दिलाइए कि उनके साथ कौन किया ये सब। आप इसके अंदर आइए, आप जो भी लोग हो सब हमारी कुछ भी मदद करिए, ताकि हम मालती चौहान के बारे में कुछ पता कर सके, कुछ समझ मार सके कि हाँ उनके साथ क्या हुआ था। ये दोनों लोग का जो यहाँ पे नाम रखा हुआ है, कौन किया है उनके साथ, उनकी मौत कैसी हुई है, बताइए आप, यकीन दिलाइए हमें। क्या आपकी मौजूदगी है, हमें दिखाइए अपनी मौजूदगी यहाँ पे। बाबरे, बोले बाबरे, दोस्तों क्लियर दिखा उसमें क्लियर, वो चीज यहाँ पे आ चुकी है। दोस्तों वो चीज यहाँ पे मौजूद है अभी। वो लाइट, दूसरा लाइट भी बंद हो गया, वो कैंडल। वो कैंडल ये कैंडल अपने आप कैसे बुझ गई। दोस्तों एक कैंडल अपने आप बुझ गई यहाँ पे। भजन बोले, पहले तो ये चीज आपको दिखा दे, ये कैंडल अपने आप बुझ गए, और ये जो अभी देखिए एकदम रेड हो चुका था, वो चीज यहीं पे मौजूद है, एकदम क्लियर हो चुका है। और उस साइड में हमने क्या नाम लिखा था,
अभी वो पाचा देखना पड़ेगा उस पर। बाप रे बाप, हम पहले आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर पहले जो भी चीज़ हुआ यहाँ पे दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैंडल अपने आप बुझ गया। ये चीज़ एक जल रहा है। अभी हम नाम देखते हैं उस साइड में किसका नाम है। अभी हम यहाँ पे इस जगह पे लाइट बंद हो चुकी है क्योंकि हमने काफ़ी देर हो चुका है। यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं जल रही है फिलहाल, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो कैंडल है इसके सहारे में या लाइट देख सकते हैं, लाइट एकदम बंद हो चुकी है क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है हमारे साथ भी यहाँ पे, क्यों बंद हो गई। एक बार ये देखो किसी तरह अभियान हुई लेकिन ये चलने वाली है दोस्तों। इस साइड में है विष्णु राज का नाम, इस साइड में आप देख सकते हैं ये चीज़। लेकिन जहाँ पे कैंडल बंद हुआ उस साइड में अर्जुन नाम है। अभी हम क्या कर सकते हैं कुछ भी फाइनल नहीं है, लेकिन जो चीज़ हम अभी एक्टिविटी जो हमारे साथ हुई, जो चीज़ अभी हम कैप्चर किए ना, उससे एकदम साफ क्लियर होता है कि अभी यकीन होता है नहीं होता कि कौन उनके साथ क्या हुआ, क्या कौन कत्ल किया या कुछ और। ये चीज़ भी हम लोग क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन दोस्तों अभी हम कोशिश करते हैं कि ये चीज़ जानने के लिए कि जो कैंडल जल रहा है वो कत्ल करने वाला है कि नहीं करने वाले का है। ये चीज़ फाइनल नहीं हुआ क्योंकि जो चीज़ अभी दिखाया गया कि यहाँ पर कैंडल ये अपने आप बुझ गया एकदम कैमरे के सामने और पता नहीं कब बुझा हमें भी नहीं पता है। अचानक से देखे कि ये चीज़ बुझ चुका था यहाँ पे और जो कैटोमीटर है वो भी क्लियर हो यहीं पे आत्माएं की ऑफिस है। दोस्तों फिलहाल लाइट बंद हो चुकी है क्योंकि पता नहीं क्या हो गया, लाइट नहीं जल रही है फिलहाल। हम सिर्फ कैंडल के सहारे और दोस्तों सिर्फ कैंडल के सहारे यहाँ पे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर रुकेंगे नहीं क्योंकि जो चीज़ जो एक्टिविटी हुई है हिम्मत नहीं पड़ रहा कि हम अकेले में यहाँ पे और देर रुकें। दोस्तों मैं निकलते बाहर क्योंकि अभी हमें इस चीज़ को क्लियर करना है आखिर जो भूता है वो चीज़ क्या है। अपने गुरु जी के पास जाएंगे, ये चीज़ क्लियर करेंगे कौन उनके साथ क्या किया है। ओके निकलते हैं पहले बाहर। लाइट भी नहीं है, सिर्फ हल्की सी लाइट है। फिलहाल हम कैमरा बंद करते हैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं। दोस्तों अभी आपने पूरा वीडियो देखा है, इससे जो कन्फर्म होके आता है कि उस समय धर्मेंद्र भाई ने एक गलती कर चुकी है कि वो कन्फर्म नहीं कर पाए कि वास्तव में वो किस एंगल से किसको रखे हुए हैं, मारने वाले को या फिर निर्दोष को। ये कन्फर्म नहीं हो पाया क्योंकि जिस तरह से किलोमीटर और वो कैंडल ने संकेत दिया और बिना किसी भी हवा का कैंडल का बुझ जाना यार कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन धर्मेंद्र भाई ने जो वीडियो में कहा कि हम अपने गुरु से बात करते हैं या क्लियर करते हैं वास्तव में क्या होता है, जो कुछ भी है इस पे हम दावा नहीं करते हैं कि ये सही है, लेकिन जो कुछ भी है हैरान कर देने वाली है। दोस्तों नमस्कार।